नमस्ते, मैं एलिवेटर एजुकेशन एंड प्लेसमेंट चैनल कलकत्ता से सोविक सर बोल रहा हूँ। मैं आज जो मुंबई का जो स्टूडेंट है, जो लोग एक्चुअली मुंबई में मैनेजमेंट पढ़ते हैं, खास करके बीबीए और एमबीए, उन लोगों को मैं एक्चुअली वो स्टूडेंट को हम जानकारी देना चाहते हैं जो हम लोग ऑनलाइन में बीबीए और एमबीए का ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए आज एक्चुअली बीबीए एमबीए में क्या होता है, स्टूडेंट तो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कोई आर्ट से आते हैं, कोई कॉमर्स से आते हैं, कोई साइंस से आते हैं। अब जो लोग मान लीजिए आर्ट से आ रहा है, तो उसको तो अकाउंट्स बोलिए, इकोनॉमिक्स बोलिए, स्टैट्स बोलिए, मैथ्स बोलिए, ऑपरेशन रिसर्च बोलिए, ये जो पेपर है मैथमेटिकल और एनालिटिकल या फाइनेंस बोलिए, ये इसका कुछ बैकग्राउंड नहीं जानते वो लोग, क्योंकि उसका ये सब्जेक्ट K-12 में नहीं रहता या ग्रेजुएशन में भी नहीं रहता जो लोग एमबीए करते हैं। तो उन लोगों को एकदम नया से स्टार्ट करना पड़ता है ये सब सब्जेक्ट। और कॉलेज कॉलेज में जब क्लास चलता है तो प्रॉब्लम क्या होता है कॉलेज में, जो कभी कभी इंडिविजुअल एडमिशन नहीं मिलता है, तो जो स्टूडेंट जो थोड़ा बेस कम है, थोड़ा वीक है, तो मेरा सजेशन यही मानना है जो आप एक गाइडलाइन उसको को स्पेशली प्राइवेट में लेना चाहिए उन लोगों को। तो हम लोग ऑनलाइन में भी ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, दिल्ली बोलिए, बेंगलोर बोलिए, चेन्नई बोलिए, वो भी हम लोग ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं मेट्रो सिटी में। और हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस और बोलिए या व्हाट्सएप में सारे नोट भेज देते, समझा देते फोन कॉल्स की वजह से, तो प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट लोग इंडिविजुअल एडमिशन देते हैं, छोटे छोटे छोटा छोटा ग्रुप में हम लोग पढ़ाते हैं। तो मेरा सलाह है जो उसका मैथ्स वीक है, अकाउंट्स वीक है, स्टैट वीक है, या आईटी का कोई पेपर मानिए, एमआईएस बोलिए, या अदर कोई स्पेशलाइजेशन मानिए, सिस्टम्स या फाइनेंस मार्केटिंग, तो ये सारे जो चीज़ें ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलिए, ये हम लोग यहाँ पे पूरा ट्यूशन होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा लगता है जो उसका थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है क्लास करके, तो मेरा सलाह उस स्टूडेंट के लिए यही है, जो टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप कोई भी टीचर, मेरे से हो या अलग बात, आप कोई भी टीचर आप ले लीजिए, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एमबीए में सेमिस्टर बहुत टाइम कम होता है, बाद में जाके अगर वो पेपर में आपको सफल आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर आप पास भी कर गए किसी तरीके से मान लीजिए, तो क्या होता है ना, जो ये मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट होता है ना, ये एक सब्जेक्ट के साथ जो नेक्स्ट सेमिस्टर का जो दूसरा सब्जेक्ट उसका लिंक होता है, तो आप पहले अगर सब्जेक्ट अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो बाद में जाके वो भी कॉन्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। और जब कैंपसिंग इंटरव्यू होता है तो थोड़ा सब्जेक्ट बेस्ड जब क्वेश्चन करता है जो आपका कितना बेस स्ट्रांग है, तब जाके प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, तब वो आंसर नहीं दे पाते, तो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। तो आप 2 साल पूरा पढ़ा, इन्वेस्ट किया एमबीए में, या बीबीए जो भी गया है, 12 के बाद जो लोग ग्रेजुएशन लेवल में बीबीए कर रहा है, वो भी 3 साल में इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद अगर उसका नॉलेज ठीक सही नहीं हुआ तो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा, तो उसका तो टाइम भी वेस्ट हुआ, मनी भी वेस्ट हुआ। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, जो दिक्कत आपका है उसके लिए एक सीनियर जो टीचर है कोई भी, तो मेरे से लीजिए, वो अलग बात है। अगर मुझे मेरा बात आप लोगों को अच्छा लगता है, गार्जियन का या स्टूडेंट का, तो जरूर मुझसे आप फोन कॉल में बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर कॉल में देखिए दिया हुआ है, मेरा नाम है शोभित सर, शोभित दत्ता मेरा नाम है, उसके नीचे देखिए 9748161018 नंबर है, उस नंबर में कॉल करके मेरे साथ आप जरूर बात कर सकते हैं इस ट्यूशन के बारे में। और मेरा जो सलाह है, जो अगर थोड़ा पकड़ के आप थोड़ा स्टूडेंट पढ़े तो उसका फायदा क्या होता है, तो उसका बेस अच्छा रह जाता है। तो बेस अगर अच्छा होता है ना, वो कोई भी इंटरव्यू बोलिए, कोई भी चीज फायदा लॉन्ग रन में आप देखिए, आप बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि आपका नॉलेज अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा होगा तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल स्किल, ये दोनों अगर मैनेजमेंट में कोई डेवलप कर लेना, तो उसका जाके बाद में प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। मान लीजिए जो लोग ऐसे एग्जाम में फाइनेंस में जा रहा है, तो उसका अगर फाइनेंस का ही नॉलेज नहीं है, फाइनेंस प्रेजेंटेशन कर रहा है, तो उसको तो होल लाइफ ही ये फाइनेंस अपना नॉलेज बेच के ही उसको पैसा कमाना है, तो उसमें अगर थोड़ा लैग हो जाता है पढ़ाई में, तो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होगा, उसको कोर्ट जॉब नहीं मिलेगा उसके मुताबिक, फिर उसके इंटरव्यू में क्रैक करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मेरा बात ये है, जो भी स्टूडेंट जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, स्टैट बोलिए, मैथ्स बोलिए, इकोनॉमिक्स बोलिए, ऑपरेशन रिसर्च पेपर बोलिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलिए, या अकाउंट्स का कोई पेपर बोलिए, या एमआईएस का कुछ आईटी का पेपर बोलिए, हम लोग के यहाँ पे सारे ट्यूशन प्रोवाइड होते हैं, स्पेशलाइजेशन पेपर का भी हम लोग ट्यूशन देते हैं। तो आप बिना दिक्कत के मेरे फोन पे जरूर फोन कर सकते हैं। और एक बात बोल रहा हूँ, जो मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप लोग मुझे ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए,
और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको जो हमारे यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको सारे यूट्यूब के मार्फत से मिल जाएंगे। तो उसमें गाइडलाइन भी कैसे पढ़ना चाहिए, मोटिवेशनल जो होता है वो भी आप लोग कभी कभी देख पाएंगे। तो मेरा यही बात है, सलाह है, जो जब आप पढ़ने आए हैं तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पेश हो। वो हाफ हार्टेड पढ़ के कोई मतलब फायदा नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो देखिए बहुत कॉम्पिटिशन है, कंपनी उस बंदे को ही लेगा जो बंदे का नॉलेज अच्छा होगा, उस जिसका प्रैक्टिकल स्किल अच्छा होगा। और जिसके पास नॉलेज नहीं, मान लीजिए उसके पास कुछ नहीं है, तो आज मुंबई स्टूडेंट के लिए मैं इतना तक ही बोल सकता हूँ। तो जरूर जो मुंबई स्टूडेंट BBA पढ़ रहे हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ, अगर आपको ट्यूशन का जरूरत है आप बेफिक्र मुझे कॉल कीजिए, हम लोग यहाँ पे जितना हो सके स्टूडेंट लोगों के लिए करेंगे और उसको एक अच्छा ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ गाइडलाइन भी देंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें जॉब होता है क्या नहीं होता, क्या 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 होता है इंटरव्यू, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस भी कर देंगे क्लास में। ठीक है, आ जाता है कि